ये एक कॉमेडी प्ले है, ये 5 एक्ट का प्ले है, कॉमेडी प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है। इसका सब टाइटल है और द मिस्टिक ऑफ द नाइट। तो इस टाइटल को समझते हैं, ये ड्रामा का टाइटल है, सी स्टूप्स टू कॉन्केयर, क्या इसकी मीनिंग है। सो सी स्टूप्स टू कॉन्केयर, स्टूप्स की मीन्स मीनिंग है, हिंदी मीनिंग इसकी होती है झुक जाना, एंड कैनकर मीन्स होता है जीतना। तो वो जीतने के लिए झुक गई, कौन जीतने के लिए अरे झुक गई, रे, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स तो नहीं है, थोड़े ही कैरेक्टर्स हैं। सो नंबर वन कैरेक्टर इज मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल। मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल, ये लोग एक ओल्ड फैशन हाउस में रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा BNMA इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ड्रामा आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। इस प्ले को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इसकी स्टोरी है। यू कैन सी हियर ऑन व्हाइट बोर्ड ओलिवर गोल्ड स्मिथ सी स्टूप्स टू कॉन्कर और द मिस्टेक ऑफ द नाइट, इसका सब टाइटल है। एंड दिस इज फॉर बी पार्ट टू सेमेस्टर 3। योर पेपर नेम इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ओके, दिस इज गिवन इन यूनिट 6 ब्रिटिश ड्रामा। इसमें आज हम ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ड्रामा जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है सी स्टूप्स टू कॉन्कर, इस ड्रामा को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके, एंड इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड किए हैं चैनल पे, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है BA Part 2 Semester 3, तो वहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर ऑल UP स्टेट यूनिवर्सिटी, एज यू ऑल नो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चाहे PBS व्यू से हो, MGKVP, अलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, JSU, RM, PSU, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। या अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ड्रामा दिया हुआ है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। सो आज हमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्केयर, या इसका एक सब टाइटल है और द मिस्टेक ऑफ द नाइट, इस ड्रामा को स्टडी करना है। तो ये एक कॉमेडी प्ले है, ये 5 एक्ट का प्ले है, कॉमेडी प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है। इसका सब टाइटल है और द मिस्टेक ऑफ द नाइट। तो इस टाइटल को समझते हैं, ये ड्रामा का टाइटल है सी स्टूप्स टू कॉन्केयर, क्या इसकी मीनिंग है। सो सी स्टूप्स टू कॉन्केयर, स्टूप्स की मीन्स मीनिंग है, हिंदी मीनिंग इसकी होती है झुक जाना, एंड कैनकर मीन्स होता है जीतना। तो वो जीतने के लिए झुक गई, कौन जीतने के लिए झुक गई, तो इसमें कैरेक्टर है मिस हार्ड कैसल के। तो वो अपने प्यार को पाने के लिए झुक जाती है, किस तरह से, क्या स्टोरी है, आगे की वीडियो में हम जानेंगे। तो इतना आप यहाँ पे इसकी मीनिंग समझ लीजिए। और इसका एक सब टाइटल है द मिस्टेक ऑफ द नाइट, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स के बारे में नोट डाउन कर दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या इसकी स्टोरी है, क्या इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो पहले कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स तो नहीं है, थोड़े ही कैरेक्टर्स हैं। सो नंबर वन कैरेक्टर इज मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल। मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल, ये लोग एक ओल्ड फैशन हाउस में रहते हैं। मिस्टर हार्ड कैसल, इनको ओल्ड चीज़ें काफ़ी पसंद है, जो भी ओल्ड फैशन चीज़ें होती हैं। और मिसेस हार्ड कैसल, ये इनकी बिल्कुल अपोजिट हैं, इन्हें बिल्कुल भी ओल्ड फैशन चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो लंदन लाइफ को ज़्यादा पसंद करती हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज टोनी लंकिन। टोनी लंकिन, ये इनका सन है, एक्चुअली ये मिसेस हार्ड कैसल का सन है। ही इज़ अ मिस्चीवियस सन ऑफ मिसेस हार्ड कैसल फ्रॉम फॉर्मर हस्बैंड। ये इनके फॉर्मर हस्बैंड से प्रोड्यूस हुआ सन है, बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही शैतान टाइप का है, और ये अपनी माँ के लाड़ दुलार की वजह से कह सकते हैं बिगड़ गया है। ओके, एंड मिस हार्ड कैसल केट, ये डॉटर है, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस हार्ड कैसल। मिस्टर हार्ड कैसल और मिसेस हार्ड कैसल की डॉटर है ये। एंड मिस नेविले, मिस नेविले सी इज द नीस ऑफ मिसेस हार्ड कैसल, इनहेरिट्स प्रीसियस ज्वेलरी। ये इन लोगों के साथ में रहती है मिस नेविले, मिसेस हार्ड कैसल की नीस है, भतीजी है उनकी, और ये इनहेरिट्स करती है प्रीसियस ज्वेलरी, कुछ प्रीसियस ज्वेलरी है इसके नाम पे। तो मिसेस हार्ड कैसल उसकी एज गार्जियन उसकी देख रेख करती हैं। मिसेस हार्ड कैसल मिस नेवेली की मैरिज कराना चाहती हैं टोनी लंकिन से, उसमें भी रीज़न है, वो इसलिए कराना चाहती हैं ताकि वो जो ज्वेलरी है वो उनके अंडर में ही रहे, वो ज्वेलरी उनके घर से बाहर ना जाए, तो ऐसा उनका कुछ प्लानिंग है। चार्ल्स मार्लो, ये मिस्टर चार्ल्स मार्लो का सन है,
मिस्टर चार्ल्स मार्लो, हिज फादर ऑफ चार्ल्स मार्लो, और ये ओल्ड फ्रेंड है ऑफ मिस्टर हार्डकैसल। तो चार्ल्स मार्लो मिस्टर चार्ल्स मार्लो का सन है, बेटा है, और मिस्टर चार्ल्स मार्लो ये मिस्टर हार्ड कैसल के पुराने फ्रेंड हैं। तो मिस्टर हार्ड कैसल वो चाहते हैं कि चार्ल्स मार्लो की मैरिज हो जाए मिस हार्ड कैसल केट से। तो वो चार्ल्स मार्लो को उन्होंने अपने घर में बुलाया हुआ है उनको देखने के लिए, अपनी डॉटर को। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये एक कॉमेडी प्ले हो जाता है। ओके, सो मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल, ये लोग एक ओल्ड फैशन हाउस में रहते हैं। मिसेस हार्ड कैसल जो कि लंदन लाइफ को काफ़ी प्रेफर करती हैं, उनको न्यू चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। सो लेट्स केम ऑन स्टोरी, इसके स्टोरी को समझते हैं। सो इसकी जो स्टोरी है इसमें बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो स्टोरी है ये कॉमेडी प्ले हो जाती है। ओके, तो मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल, ये लोग एक ओल्ड फैशन हाउस में रहते हैं। टोनी लमकिन जो कि इनका मिस्चीवियस सन है, शरारते करता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, पब्स वगैरह में जाता रहता है, अपनी माँ के प्यार दुलार की वजह से काफ़ी बिगड़ैल हो गया है। और मिसेस हार्ड कैसल जिसकी मैरिज मिस नेवेली के साथ कराना चाहती हैं, जो इनके साथ में रहती है और प्रीवियस ज्वेलरी की जो इनहेरिट्स करती है। तो मिसेस हार्ड कैसल उस ज्वेलरी को अपने पास रखना चाहती हैं, तो सोचती हैं कि टोनी लमकिन से मैरिज करा देंगी तो ज्वेलरी भी उनके पास में रहेगी और टोनी लमकिन को वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। और एक्चुअली जो टोनी लमकिन है 18 ईयर्स का हो चुका है, बट मिसेस हार्ड कैसल ने उससे इस बात को हाइड करके रखा है ताकि वो अपनी पसंद से कहीं और मैरिज ना कर सके। एंड मिस्टर हार्ड कैसल ने चार्ल्स मार्लो को बुलाया हुआ है अपने घर पे मिस हार्ड कैसल केट को देखने के लिए। तो चार्ल्स मार्लो और हास्टिंस आते हैं, तो वो एक पब में रुकते हैं मिस्टर हार्ड कैसल और मिसेस हार्ड कैसल के हाउस का एड्रेस पता करने के लिए। तो उस पब में वो टोनी लुमकिन से मिलते हैं, टोनी लुमकिन से वो एड्रेस पता करते हैं। तो अब जब टोनी लुमकिन को ये पता चलता है कि ये जो गेस्ट हैं उनके घर पे ही आ रहे हैं, यानी मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे आ रहे हैं, तो अपने फादर से रिवेंज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए वो शरारती करता है। तो उन लोगों को वो बेवकूफ़ बनाता है, उन लोगों से बोलता है कि आप तो गलत एड्रेस पे आ गए हो, जो हार्ड कैसल का हाउस है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, चलिए मैं आप लोगों को एक इन में ले चलता हूँ, एक सराय में ले चलता हूँ। सो मार्लो एंड हेस्टिंग ये लोग कैसल हाउस पहुँचते हैं, वहाँ पे उनका वेलकम किया जाता है। मिस्टर हार्ड कैसल तो समझते हैं कि चार्ल्स मार्लो जो इनके ओल्ड फ्रेंड का सन है एज गेस्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं। बट जो चार्ल्स मार्लो होता है और हास्टिंग्स होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि वो लोग किसी इन में आए हुए हैं, तो मार्लो उनसे उनको एज इनका मास्टर समझ के ही बिहेवियर करता है। तो पहले तो हार्ड कैसल को बड़ा ही अजीब सा लगता है कि कैसे ये बिहेव करता है कर रहा है, मैं तो इसको सोचता था बड़ा ही शिष्ट व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा पर्सन है, बट वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इस स्टोरी में। एक्चुअल में जो चार्ल्स मार्लो है, चार्ल्स मार्लो ये एक साई पर्सन है और अपने से हाई क्लास लेडीज़ के साथ बात करने में उसको हेजिटेशन होती है, उनसे वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है। जो मिस हार्ड कैसल है वो एक हाई क्लास लेडी है, बट अपने घर में वो अपने नॉर्मल तरीके से रहती हैं, क्योंकि उसके जो फादर हैं मिस्टर हार्ड कैसल वो ओल्ड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो अपने फादर के काफ़ी क्लोज है, जैसे टोनी लुमकिन अपने मदर से क्लोज है, तो उसी तरह से वो हार्ड कैसल जो है मिस हार्ड कैसल अपने फादर से काफ़ी क्लोज है, उनकी बात को मानती है, सुनती है। एंड चार्ल्स मार्लो जब मिस कैसल से मिलता है, यानी केट से जब मिलता है, तो वो उससे काफ़ी ऑकवर्ड बिहेव करता है अपने नेचर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक सब प्लॉट भी स्टार्ट हो जाता है। सब प्लॉट क्या होता है कि जो हॉस्टिंग्स हैं, हॉस्टिंग्स एंड मिस नेवेले, इनके बीच में लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे एक बात और आप में जानिए, जो टोनी लुमकिन है और मिस नेवेले, ये दोनों एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते हैं, बस अपनी मदर के लिए उनके सामने दिखाते रहते हैं। टोनी लुमकिन खुद भी नहीं चाहता है वो मिस नेवेले से मैरिज करने के लिए। मिस हार्ड कैसल केट को चार्ल्स मार्लो का जो बिहेवियर है वो अजीब तो लगता है, बट वो उसकी हैंडसम पर्सनालिटी की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और वो ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है
कि वो चास मार्ले को टीच करेगी कि कैसे हाई क्लास लेडीज़ के साथ में कॉन्फिडेंटली बात की जाती है, ओपनली बात करी जाती है, और अपने इस प्रयास में वो सक्सेस भी हो जाती है। मिस हार्डकैसल यानी कि केट जब वो बारमेड के रूप में जब सामने आती है तो चास मार्लो उससे कॉन्फिडेंटली बात करता है। वो अपने से लो क्लास की लेडीज़ के साथ ओपनली बात कर लेता है। एंड इधर मिस नेवेले एंड हेस्टिंग्स ये लोग प्लान बनाते हैं इलोपमेंट का, बट जो मिस नेवेले है वो विदाउट ज्वेलरी हास्टिंग के साथ इलोप नहीं होना चाहती, भागना नहीं चाहती उसके साथ। वो जो ज्वेलरी है वो मिसेस हार्डकैसल के पास है। अब मिसेस हार्डकैसल के पास से ज्वेलरी उसके पास आए कैसे? तो टोनी लुमकिन उनकी हेल्प करता है। टोनी लुमकिन तो खुद भी नहीं चाहता है मिस नेवेले से मैरिज करने के लिए, तो वो हास्टिंग्स की और मिस नेवेले की हेल्प करता है। वो जाता है उसके अलमीरा से, मिसेस हार्डकैसल के अलमीरा से उस ज्वेलरी को वो चुरा लेता है और लाके इन लोगों को दे देता है, ये हास्टिंग को देता है। अब हास्टिंग्स क्या करता है, एक प्रेशियस ज्वेलरी होती है तो कुछ टाइम के लिए वो चास मार्लो को दे देता है उसको संभाल के रखने के लिए। अब चास मार्लो ये क्या करता है, उस ज्वेलरी को वो मिसेस हार्डकैसल को दे देता है। अब जहाँ से ज्वेलरी आई थी अब खुद वहीं आ गई, मिसेस हार्डकैसल के पास चली गई। तो मिस नेवेले वो अभी वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देती है, मना कर देती है हास्टिंग के साथ इलोपमेंट होने के लिए। बट हास्टिंग्स तो रेडी होता है, उसको उसकी ज्वेलरी से कोई प्यार व्यार नहीं होता है, वो उसके साथ फिर भी जाना चाहता है। चार्ल्स मार्लो जो कि कैसल हाउस को अभी भी इन ही समझ रहा था कि वो किसी सराय में ठहरा हुआ है और मिस्टर हार्ड कैसल को उसका मालिक समझ रहा था, तो उसी तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था अजीब गरीब तरीके से। और मिस हार्ड कैसल केट को वो बारमेड समझ रहा था तो उससे उसी तरह से बिहेव कर रहा था, उसको प्यार करने लगा था, बट वो नहीं जानता था कि वो मिस हार्ड कैसल है। लास्ट में मिस्टर चार्ल्स मार्लो आते हैं। यहाँ पे एक लाइन और आप ऐड कर लीजिएगा कि हास्टिंग्स को मिस नेवेली बता देती है कि वो लोग मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे ठहरे हुए हैं, बट हास्टिंग्स चार्ल्स मार्लो को ये बात नहीं बताता है, क्योंकि हास्टिंग्स को ये लगता है कि अगर चार्ल्स मार्लो को ये बात पता लग गई तो हास्टिंग का और मिस नेवेले का रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात की वजह से वो चार्ल्स मार्लो को इस बात से छुपा के रखता है, हाइड करके रखता है, नहीं बताता है कि वो लोग मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे आए हुए हैं। लास्ट में पता लगता है जब मिस्टर चार्ल्स मार्लो उस घर में आते हैं। मिस्टर हार्ड कैसल मिस्टर चार्ल्स मार्लो से बताते हैं कि मुझे तो लगता था चार्ल्स मार्लो एक बहुत ही साई और बहुत ही पोलाइट और एक गुड पर्सन है, बट वो तो बड़े ही ऑकवर्ड वे में है, सबसे ट्रीट कर रहा है। जब चार्ल्स मार्लो को पता लगता है कि वो तो मिस्टर हार्ड कैसल के घर पे ही है तो उसे बड़ा ही अफसोस होता है अपने किए पे, उसे बहुत ही गिल्ट फील करता है और वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। बट वो चूँकि बारमेड से लव करता रहता था तो उसको छोड़ के जाने में अभी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। एंड अब यहाँ पे डिसीजन ये होता है कि मिस्टर चार्ल्स मार्लो और मिस्टर हार्ड कैसल को लगता है कि वो तो मिस हार्ड कैसल को पसंद ही नहीं करता है, तो उससे मैरिज कैसे करेगा। बट मिस हार्ड कैसल उन लोगों को कन्विंस करती है कि नहीं, वो उस बहुत ही प्यार करता है, बट उसके उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स है जो उसे ठीक कर देगी। फिर उन लोगों को वो कर्डन के पीछे छुपने के लिए बोलती है और उसके जो भी रियलिटी होती है उसको रिवील करती है, जब वो बारमेड समझ के उसको अपनी सारी बातों को वो रिवील कर रहा होता है। इस तरह से क्लियर हो जाता है कि चार्ल्स मार्लो मिस हार्ड कैसल को पसंद करता है। एंड लास्ट में मिस हार्ड कैसल केट की मैरिज हो जाती है चार्ल्स मार्लो के साथ में, एंड मिस नेवेली की मैरिज होती है हास्टिंग के साथ में। ये लोग अपने इलोपमेंट का प्लान चेंज कर देते हैं एंड सबके एग्रीमेंट से फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट यहाँ पे मिसेस हार्ट कैसल बहुत ही अनहैप्पी फील करती हैं अपने बेटे की वजह से, जो कि उन्हीं का किया धरा होता है, उन्होंने इतना बिगाड़ रखा था प्यार दुलार की वजह से, तो उसी तरह के बिहेवियर करता है। एंड मिसेस हार्ट कैसल वो ज्वेलरी भी मिस नेवेले को रिटर्न कर देती हैं। एंड लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड ये जो टाइटल है सी स्टूप्स टू कॉनकेयर, यानी कि उसने उसको जीतने के लिए खुद को झुकाया, तो ये टाइटल सूट करता है मिस हार्ड कैसल गेट के ऊपर, क्योंकि उसने चार्ल्स मार्लो का प्यार पाने के लिए, उसको जीतने के लिए उसने खुद को झुकाया, बारमेड बनी और उसके प्यार को उसने हासिल भी कर लिया, जीत भी लिया। तो ये था कॉमेडी प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक।
सो टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड यस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।